बाजुड़ बिल्ली उड़। आज मैंने संडे के दिन देखिए चाय बनाई है सबके लिए। सो हे गाइस, सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग रेलवे ब्लॉग चैनल में। सो गाइस फिर से आ गया आपका भाई एक न्यू ब्लॉग के साथ। और गाइस जैसा कि आप जानते हो कि आज है संडे और गाइस आज जो भी पूरे दिन में होगा वो आपका भाई इस ब्लॉग के द्वारा आपको दिखाएगा। सो गाइस अच्छा गाइस काफी मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो गाइस काफी तेज धूप है भाई और मतलब सुबह से ही भाई 7-8 बजे से ही इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। फिर तो कहीं इच्छा नहीं करती है कहीं निकलने की और कहीं मन नहीं करता। तो मैं दिखाता हूँ गाइस कितनी तेज धूप है भाई, बहुत तेज धूप पड़ रही है यहाँ पर, देखिए भाई। देखो भाई कितनी तेज धूप है, बहुत तेज धूप है भाई, बहुत ही ज्यादा। बस जो भी पूरे दिन में होगा आपका भाई, जो भी करेगा वो सब कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग के द्वारा दिखाएगा गाइस। तो चलते गाइस। सो गाइस अभी हम आए हैं छत पर और अच्छा हमको सिखा रही है। और गाइस अपने आसपास का व्यू दिखाएंगे आपको, मतलब अपने छत से जो भी व्यू दिखता है वो व्यू दिखाएंगे आपको गाइस। सो यहाँ पर देखिए हमारा एलोवेरा गाइस यार कितना सूख रहा है, बहुत ज्यादा सूख गया। पानी डालते हैं इसमें फिर भी पता नहीं क्या, मतलब बहुत ज्यादा सूख गया ये। और ये देखिए ये पेड़ भी बहुत ज्यादा सूख गया भाई, ये भी पता नहीं क्या हो गया, इसको भी पूरा सूख गया। ये तो टूट भी गया है, मतलब बस ऐसे ही रखा हुआ है गाइस, पूरा खराब हो गया एलोवेरा। सो ये देखिए गाइस हमारे आसपास का व्यू। ओह माय गॉड, वाओ। और भाई गर्मी कितनी तेज है। ये हमारे आसपास का व्यू है, मतलब आसपास जो घर बने हुए हैं। ये पीछे की साइड स्कूल है, मतलब हमारे इसी गोगा जी का, तो ये गोगा जी स्कूल है ना, तो मैंने अपने ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में दिखाया आपको गोगा जी स्कूल, उसी स्कूल का है ये पीछे जो स्कूल बना हुआ है। और ये यहाँ पर हमारा कबाड़ा पड़ा हुआ है भाई। सो ये देखिए गाइस बहुत ही तेज गर्मी है। सो चलते गाइस दिखाते हैं और कुछ भी आपको। सो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में नहाने के लिए जा रहा हूँ गाइस, और काफ़ी गर्मी लग रही है भाई, तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। और मम्मी कपड़े धो रही है तो मम्मी भी बोल रही थी कि तेरे कपड़े काफ़ी गंदे हुए हैं तो मैं धो दूंगी और तू नहा ले जल्दी से। और गाइस हमारे सामने वाले घर में मतलब काम हो रहा है, घर बन रहा है, तो काफ़ी दिनों से मतलब खटर पटर होती रहती है, वीडियो बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पर काम हो रहा है। सामने देखिए ये बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ गाइस यहाँ पर काम हो रहा है। और ये देखिए मतलब पत्थर वत्थर बिछ रहे हैं तो मशीन चलती रहती है। तो गाइस काफ़ी दिनों से काम हो रहा है भाई, बहुत दिनों से ये काम चल रहा है ऐसे ही। सो कोई नहीं गाइस ऐसा होता रहता है और काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से काम चल रहा है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब काम उनका घर बन जाएगा कंप्लीट होगा। तो सो चलते गाइस नहाने के लिए चलते हैं और जल्दी नहा लेते भाई, वैसे भी देखिए नेक देर में काफ़ी पसीना आया था भाई, तो चलते नहा लेते हैं जल्दी से फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी आपका भाई नहा लिया है और अभी नहा धोकर हो गया बिल्कुल रेडी। सो गाइस चलते हैं रूबी साबिया के पास और उन लोगों के पेपर हैं, मतलब रूबी का है कल और साबिया का है परसों। सो वो लोग पेपर की तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं। सो गाइस थोड़ी सी मस्ती करेंगे उनसे, तो चलते हैं उनके पास और मस्ती करेंगे, चलते गाइस। सो गाइस आ गए रूबी साबिया के पास और चलते चुपचाप, और अंदर बैठ के पढ़ रही है, यहाँ पर सो रहे पापा। क्या हो रही है पढ़ाई सभी है? हैं? इनका कल एग्जाम है। अच्छा, और ये फोन चला रही है, इनका कल एग्जाम है और ये फोन चला रही है। अच्छा सभी है, वो बोली अभिषेक अभिषेक ने सेक दिया। चुप है।
और देखिए रूबी ने भी सेक दिया, क्या पी रही है रूबी? लगाइए ओ न्यू पानी, पानी की कमी ना हो है इसलिए, और ये न्यू पानी पी रहा है, मतलब दिमाग काम करे एग्जाम में। सही है, दिमाग का काम नहीं करता एग्जाम में। अच्छा तो गाइस आज मैंने संडे के दिन देखिए चाय बनाई है सबके लिए। और यहाँ पे ये दोनों तो ले आई हैं अपनी चाय, और ये है मम्मी की चाय ले आई थी, मम्मी पी रही हैं, और ये किसकी है? साविया की, मैं रूबी की, और अपनी लेकर आया हूँ। और गाइस ये देखिए ये दोनों आराम से बैठी हैं, मुझसे चाय बनवाई है इन दोनों ने, और अम्मी तो अपनी चाय पी रही हैं। सो चलो चाय पीते फिर। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? रस्क के पापे कटोज रस्क टोस्ट है। सो अभी टोस्ट के साथ और चाय पीते हैं, टोस्ट के साथ रस्क पीते हैं, रस्क पीते हैं। चलिए सो गाइस यहाँ पर देखिए मुकाबला हो रहा है, एक छोटा सा मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, और है ना चाय पीकर इनमें एनर्जी आ गई है। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक पंजे का मुकाबला हो रहा है, तो स्टार्ट करो भाई, ऐसे हाथ पकड़ते हैं। पकड़ो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? करो स्टार्ट करो। हाँ फंक्शन में 1, 2, 3 गिरा साबिया, गिरा दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। रेडी स्टडी फॉर। और रूबी ने हरा दिया, बेईमानी करके आपने हरा तो दिया, पर है बेईमानी करके हरा तो दिया। इतनी बेईमानी क्यों करती हो, जब नहीं खेला जाता है? नहीं बेईमानी करके हरा तो दिया। तो भाई तुम लोग बैठे कॉल से पूछ लो। नहीं बेईमानी, मेरे दो हाथ रह रहे थे तब नीचे गिर जाएंगी, गिरा लेना था गिरेंगी। कर दो चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, कवा उड़, चील उड़, बाज उड़, बिल्ली उड़, बिल्ली भी उड़ गई, बिल्ली भी उड़ गई, फिर गई। चलो मैं करूँगी, मैं कबूतर उड़, खरगोश उड़। एबीसीडी करनी है। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और गाइस कैसा लगा ब्लॉग तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई, और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो ब्लॉग को प्लीज यार पूरा देखना, और काफी मजा आने वाला है आपको ब्लॉग में, और काफी मतलब फनी ब्लॉग है एक तरह से, बहुत ही ज्यादा फनी है। तो आप लोग प्लीज यार ब्लॉग को पूरा देखना, काफी मजा आएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइस सुनते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।